फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम फोटोशॉप से टेक्सचर्स बनाना सीखेंगे। टेक्सचर्स से हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल ले लूँगा, उस नई फाइल में साइज़ ले लूँगा जिस साइज़ का मुझे बैकग्राउंड बनाना है या टेक्सचर्स बनाना है, प्रिंट मीडिया के लिए बनाना है या वेब के लिए बनाना है। वेब के लिए बनाना है तो मैं पिक्सल्स में साइज़ ले लूँगा और रेजोल्यूशन 72 dpi। प्रिंट मीडिया के लिए बनाना है 300 dpi का रेजोल्यूशन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6x4 inch का साइज लिया है, देन रेजोल्यूशन 300। मैंने इसे ओके कर दिया। अब इस बैकग्राउंड में मैं कोई कलर फिल करूँगा। कलर फिल करने के लिए मैं पहले यहाँ कलर सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज मुझे रेड कलर इस तरह से मैंने रेड कलर यहाँ पर चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर पेंट बकेट टूल की हेल्प से इसमें कलर फिल कर दूँगा। ये देखिए कलर फिल हो गया। अब मैं इसमें एक नई लेयर लूँगा। न्यू लेयर के लिए मैंने यहाँ पर लेयर विंडो पे क्लिक किया, न्यू लेयर, यहाँ पर एक नई लेयर आ गई। अब मैं इसमें यहाँ पर कलर वापस रीसेट कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। अब मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंसी के साथ सेकेंड नंबर का बटन पे क्लिक करूँगा। ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंसी के साथ मतलब इसमें सिर्फ ब्लैक कलर आएगा और नीचे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, आपको डार्क नहीं लेना है तो आप और ऊपर से ले सकते हैं। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं इसमें फिल्टर में जाऊंगा। फिल्टर में डिसॉर्ट मीन के अंदर वेव में मैं यहाँ पर स्क्वायर सेलेक्ट करूँगा। बाय डिफॉल्ट शाइन या ट्रायंगल सिलेक्ट रहता है, मैं इसे स्क्वायर पे क्लिक करूँगा। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर 10 या 12 जो भी मुझे देना है मैं वो दे सकता हूँ। उसके बाद मैं इसे ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर इस तरह की लाइंस क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसे वापस फिल्टर में जाऊंगा जहां पर मैं इसमें ब्लर ऐड करूंगा। ब्लर के लिए मैं ब्लर मेन्यू में जाके डिस्टेंस ब्लर पे क्लिक करूंगा। यहां पर ये मैंने 4 point का पिक्सल्स का ब्लर सेट कर दिया है, देन ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ब्लैक ऊपर से और आ रहा है। तो एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में ब्लैक पोर्शन थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। इस तरह से ये मैंने अप्लाई कर दिया और वापस मैं इस पूरे को कंट्रोल ए की हेल्प से सेलेक्ट करूँगा और एडिट में जाके इसे क्रॉप कर दूंगा। इमेज में जाके इमेज में एंड क्रॉप, तो जिससे कि वो जो ऊपर वाला एरिया था वो डिलीट हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इरेजर टूल से इरेज कर दूंगा ताकि ये लाइन जो बीच में दिख रही है वो ना दिखे। तो मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इरेजर में मैंने फेदर वाला इरेजर सेलेक्ट किया और यहाँ ओपेसिटी 100% ही है। इरेजर का साइज मैंने बढ़ा लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक किया तो ये एक लाइन में ही इरेज हो जाएगा। अब मैं इस सेकेंड लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट लेयर किया, अब इस लेयर को
मैं एडिट में जाके फ्लिप कर देता हूँ। एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, फ्लिप वर्टिकल, ये देखिए फ्लिप वर्टिकल हो गया। अब मैं इसे इसके बॉटम से लगा देता हूँ। बॉटम से लगाने के लिए मैंने इसे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया और ये अलाइनमेंट में बॉटम पे क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसे डी सेलेक्ट कर लीजिए। डी सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया था। अब आप इसको एरो की हेल्प से थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं। मूव टूल सिलेक्ट है, देखिए। अब आप इसमें यहाँ पर इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। इसे भी मैंने सेलेक्ट किया, इसकी भी ओपेसिटी कम कर दिया यदि आपको कम करना है तो, नहीं तो ये 100% भी चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टेक्सचर तैयार हो गया। आप इसको एज अ टेक्सचर, एज अ बैकग्राउंड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये कर्टन जैसा फील देने लगा है। तो इसको आप यूज़ करने के लिए इसकी सारी लेयर्स को मर्ज फेटल कर देंगे, फिर उसके बाद इसे सेव एज PNG या JPG सेव करेंगे। यहाँ पर अलग अलग लेयर लेने से ये बेनिफिट है कि यदि आपको इस टेक्सचर्स का कलर शेड चेंज करना है तो आप इसकी सिर्फ कलर वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लेंगे और उस कलर को पेंट बकेट टूल की हेल्प से फिल वर्स कर देंगे। ये देखिए, तो आपका ये अलग कलर का शेड आ गया। आप ब्लू कलर लेना चाहते हैं, ब्लू कलर ले लीजिए। ये देखिए इस तरह से ब्लू कलर का। आपको जितना भी इसमें जिस कलर के भी शेड से टेक्सचर बनाना है उतने आप कलर लेके और उसको सेव एज JPG PNG करते जाइए। आपके ये एक ही टेक्सचर्स, एक ही पैटर्न के अलग अलग कलर के टेक्सचर्स तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।